मुझे कितने साल से ये लगा रहे हो आप? सर मैं हो गए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए। तो हेलो दोस्तों गाइस, आज हम आ गए हैं हमारे बलोरिया अंकल जी के पास गाइस, इनका फेमस चिकन वाला ऑमलेट खाने। तो दोस्तों आओ, आपको मैं मिलवाता हूँ अंकल जी से और देखते हैं कैसा ऑमलेट बनाते हैं ये। गाइस आज बारिश हो रखी है यहाँ पे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल है? बहुत ठीक है जनाब। और अंकल जी क्या क्या है अपने पास? मेरे पास चिकन सूप, चिकन ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट है, हाफ फ्राई है, प्लेन ऑमलेट है। अच्छा, बॉयल अंडा है, अंडे वाला सूप भी है। अच्छा, सूप भी है। अंकल जी एक चिकन ऑमलेट बना दो हमारे लिए। लाओ सर, आइए शुरू करें। मेरा नाम मुख्तार सिंह है। ठीक है जी। बलोरिया चिकन सूप, चिकन ऑमलेट। ठीक है, आपके लिए मैं एक ऑमलेट इशू कर रहा हूँ, 4 अंडों का। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे हमारा 4 अंडे का चिकन ऑमलेट लग रहा है। अभी अंकल जी अंडे तोड़ रहे हैं। तो गाइस मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये हमारे 4 अंडे आ गए हैं। अभी मिर्ची आ रही है सर, ये मिर्ची आ रही है जी हरी। एक और मिर्ची आ गई। कैसे खाते हो मिर्ची? मिर्ची अंकल थोड़ी कम ही रखना। अंकल ये जो चिकन रहने वाले खुद बॉयल करते हो? हाँ जी, आप यहाँ बॉयल किया मुझे। अच्छा, ये फ्रेश रोज नया तैयार होता है? रोज तैयार होता है। ठीक है जी। आ गया टमाटर। ये अपना टमाटर आ गया जी, एक टमाटर कट चुका है यहाँ पे। तो भी अंकल जी काट रहे हैं प्याज। दोस्तों आज यहाँ पे हमारे जम्मू में हो रखी है कि बारिश, और बारिश के मौसम में ऐसा चिकन ऑमलेट मिले तो गाइस और क्या चाहिए। तो गाइस यहाँ पे प्याज कटिंग हो रहा है। टोटल प्राइस क्या है इसका? 4 अंडे का ऑमलेट का 120 रुपये। 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये है। इसमें ब्रेड, 6 ब्रेड पीस भी होते हैं। अच्छा, इसमें चिकन भी डबल ट्रबल चिकन डलता है। ठीक है जी। चार यहाँ पे हमारा प्याज कट रहा है जी, हमारा एक पूरा प्याज डाल दिया अंकल ने। अभी डाल देंगे जी ये चिकन सर। ठीक है जी। ये मिर्च, ये आ गई जी मिर्ची, ये आ गया नमक, ये आ गया जी अपना नमक। तो गाइस यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है पूरा। अभी गैस को कर लिया ऑन। अरे ऑयल, ये आ गया जी ऑयल। अभी ऑयल कौन सा है आपके पास? रिफाइन है। अच्छा, रिफाइन ऑयल है। ठीक है जी। गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है। सर आ गया, अभी इसको अच्छे से कर रहे हैं जी मिक्स। जी आपके चिकन ऑमलेट का बड़ा नाम सुना है आपने, ऐसा क्या डालते हो, ऐसा क्या जादू करते हो? जादू कोई नहीं, ऐसे बनाता हूँ देखो। अच्छा, जादू कोई नहीं ऐसे है। अच्छा, बनाने का शौक था, वो शौक बनाने का शौक था, देखा मैं कैसे बनता है। अच्छा, फिर आस्ते आस्ते ट्राई करने शुरू हो गया। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे मुसीबती वाले ने, मुसीबती वाले से मैंने पैसे लिए थे 10,000 रुपया, उससे मैं काम चलाने शुरू किया था कि काम पैसे रुपये में कैसे पता चलता है। अच्छा जी, मुसीबती वाले बहुत हेल्प करते मेरी। अच्छा, तो बस तेल गर्म हो गया यहाँ पे, तेल आ गया और ऑमलेट डल चुका है। तो मुझे कितने साल से ये लगा रहे हो आप? सर मैं हो गए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। तो इससे पहले क्या करते हैं? इसके पहले भी कचालू लगाता था, वो कचालू वाली रेडी है साथ में। अच्छा जी। कचालू कचूल लगाता था, चार चूर का कुलचे का काम था मेरा पहले। अच्छा जी। अगर यही खाता मैं बेरो से लगाता था पहले, रेडी बेरो से नर मारे। ठीक है जी, वहाँ से इधर आया हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो गाइस अंकल ने यहाँ पे हमारा चिकन डाल दिया पूरा भर भर के। सर देखो आप, पता लग जाएगा कुछ चीज अच्छी बनी है, पता लग जाएगा। अच्छा, मेरे को बच्चे नाम बच्चा फ्लेवर अच्छा। अच्छा जी,
तो गाइस यहाँ पे हमारे ब्रेड लगा दिए हैं। तो कितने ब्रेड आएंगे इसमें? छह पीस आएंगे इसमें, सात दल गए मतलब छह दल के सात दल के। अच्छा जी, सात आ गए। तो अभी इसको गाइस पलटा जाएगा। ऐसे अंकल ने इसको कर दिया, ऊपर लगा दिया अच्छे से, गैस के फ्लेम में हो गया यहाँ पे स्लो। आज अभी इसको पलटने आ गया। ये अंकल जी लगा दी प्लेट और ये हो गया जी हमारा ऑमलेट पलट। अभी तैयार हो गए, तैयार हो गए सर, बस पलट रहे हैं इसको, पलट के बाद तैयार हो जाएगी। हमारा एक बार और पलटी लग गई यहाँ पे, तैयार हो गए ना। ज्यादा से ज्यादा कितने अंडे का ऑमलेट बनाया है? 30 तक मैं बना चुका हूँ ना। 30 अंडे का? 30 अंडे तक ना। इसी बर्तन में बना रहे हैं, इसमें बन गया पूरा, हो गया था पूरा। यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा, तो अभी लग रहा है ये प्लेट में। तो जी कितने आदमी खा सकते हैं इसको? दो बंदे तसल्ली से खा सकते हैं, दो बंदे का पेट पूरा भर जाएगा, मतलब पूरा पेट भर जाएगा इसमें। अच्छा जी, तो गाइस और चिकन आ गया यहाँ पे हमारा, तो आप देख सकते हो गाइस सिर्फ 120 रुपए में आपको इतना अच्छा हेल्दी है। डबल ट्रबल बोलते हैं हमारा ये, इसमें कई बंदे ने खोला है बंद कर गया है, इधर एक अंबरसरी ने भी खोला था। अच्छा, वो बंद कर गया है क्योंकि उसको बाहर नहीं खाया, उसने बंद कर दिया। मैंने पहले सोचा मेरे को बच्चा ना बच्चा मैं चीज तो बनाता हूँ खिलाना अच्छा करूंगा, मेरे को बच्चे ना बच्चा मेरे को गाल आना चाहिए गाल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है अंकल। तो गाइस हमारा ऑमलेट यहाँ पे लग चुका है, ये थोड़ी सी मिर्ची डाल रहे हैं अंकल जी, या ये सॉस चिली, ये चिली सॉस आ गई जी गाइस हमारी, या ये सब टमाटो, ये आ गई जी टमाटो। वाह जी वाह, गाइस देखने में देखो कितने सुंदर लग रहा है। ये कौन सी अंकल? ये मिर्ची वाली है। अच्छा, ये मिर्ची वाली है, थोड़ी कम में डालना अंकल जी। अंकल जी हो गया तैयार? हो गया तैयार, सब तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा टमाटर आ रहा है, तो गाइस मारे तरह पूरा 20 रुपए का आपको इतना कुछ मिल रहा है खाने में। पिज्जा बन गया जनाब, पूरा पिज्जा तैयार हो गया, नॉन वेज पिज्जा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पिज्जा लग रहा है, नॉन वेज पिज्जा तैयार हो गया जी। हां जी, तो गाइस थोड़ा सा प्याज भी आ रहा है ऊपर से। तो जी 120 रुपए में इतना कुछ दे रहे हो कैसे सर? क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, पर मैं 120 तक ही है। अच्छा, आगे देखेंगे। ठीक है जी, कैसे चल रहा है, वैसे कर रहा है इतना होगा इतना कर लेंगे जी। तो गाइस यहाँ पे तैयार हो गया जी, लाओ। तो अभी गाइस करता हूँ मैं टेस्ट, आपको बताता हूँ कैसा खाने में। तो ये गाइस अभी हमारे हाथ में, तो गाइस टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लग गया चिकन ऑमलेट, एक बार पास से दिखा दो। तो गाइस देखो आपने, आपको दिखाता हूँ खा के टेस्ट करके कैसा है। अभी थोड़ा गर्म है, आप देख सकते हो चिकन तो अंकल जी ने भर भर के डाला है इसमें। टेस्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसा। भाई टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है भाई, अगर आप भी ऐसा चिकन ऑमलेट खाना चाहते हो जम्मू में, तुम्हारे ग्लोरिया अंकल जी के पास जरूर आए। अंकल जी एक बार लोकेशन बता दो यहाँ की, किसको आना सर? गांधी नगर। हाँ जी, आर्मी दे स्कूल दी दीवार है, आर्मी स्कूल के बाहर है। ठीक है जी, ए नी स्टॉप गांधी नगर रब लैंड टू उपले साहब पिंजा नंबर रेडी। ठीक है जी, और गांधी नगर। ठीक है जी, तो ये हमारी रेडी पड़ती है गांधी नगर में। हाँ, नी स्टॉप के ऊपर आर्मी स्कूल दी दीवार के पास में, ग्लोरिया वेज, ग्लोरिया वेज नॉन वेज का। ठीक है जी,
चलो गाइस करता है ये आज की वीडियो को यहीं पे खत्म। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।